तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। जो अपील लोगों की तरफ से की जा रही है, बड़े चेहरों की तरफ से की जा रही है, वोट डालने को लेकर वो अपील भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए, अपना मतदान जरूर करिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। साथ ही साथ जेपी नड्डा की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने हमला बोला, वो भी हमने आपको दिखाया। वोटर्स में जो उत्साह है वो भी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। सुबह से अब तक जो वोटिंग परसेंटेज की तस्वीर सामने आई है, कहां पर कितने परसेंट वोटिंग हुई है वो बताने के लिए एक बार आस्था के पास चलते हैं। ताजा आंकड़ा आ चुका है हमारे पास। मेरठ में लगभग 12.5% मतदान हुआ है, 12.66% मतदान। अलीगढ़ में भी 12% के आसपास मतदान हुआ है, 12.18%। गाजियाबाद में 10.67% मतदान हुआ है, तो बागपत में 11% वोट अभी तक पड़े हैं। शुरुआती दो घंटे का आंकड़ा है। मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद और बागपत, चार जगह का डेटा इस वक्त स्क्रीन पे है आपके। मेरठ में 12.66% वोट पड़े हैं, अलीगढ़ में 12.18% मतदान हुआ है, गाजियाबाद में 10.67% मतदान हुआ है, तो बागपत में 11% वोटिंग की खबर है। तो शुरुआती आंकड़ों में अगर औसतन आप उठाकर देखें तो 10.5% से ज्यादा मतदान हो चुका है 8 सीटों पर। मेरठ में 12.66%, अलीगढ़ में 12.18%, गाजियाबाद में 10.67%, तो बागपत में 11% वोटिंग हो चुकी है। तो कहां कितनी सीटों पर वोटिंग हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत में 11% वोटिंग हुई है, मेरठ में 12.66% मतदान की खबर है, अलीगढ़ में 12.18% वोट पड़ चुके हैं, तो गाजियाबाद में 10.67% मतदान हो चुका है। यूपी की 8 सीटों पर जो वोटिंग चल रही है उनमें शुरुआती दो घंटे का डेटा सामने आया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और हम आपको बता रहे हैं। कई बड़े चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर है, कोई सीधे तौर पर उम्मीदवार के रूप में मैदान में उपस्थित है तो किसी के ऊपर चुनाव लड़वाने की बड़ी परीक्षा है। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा है उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। हेमा मालिनी जी हमारे साथ। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी कंचन भी हमारे साथ हैं और वो ग्राफिक्स के जरिए